चलता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। यूपी के फतेहपुर जिले में चौथे चरण के नामांकन के चौथे दिन कलेक्ट्रेट परिसर में 6 विधानसभा के लिए नामांकन कराने को राजनीतिक दलों सहित निर्दलियों ने 17 पर्चा खरीदा। वहीं भाजपा सपा ने एक एक, बसपा से 2, कांग्रेस से 2 प्रत्याशी सहित 8 निर्दलियों ने अपना नामांकन कराया। वहीं नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 241 आयात शाह विधानसभा से श्याम रानी, सिलम देवी व रामू निषाद ने निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया तो 3 पर्चों की बिक्री हुई। 239 विधानसभा बिंदकी से अभिमन्यु सिंह कांग्रेस व देश बचाओ पार्टी महेंद्र पाल सिंह नामांकन कराया, वहीं एक पर्चा बिका। 243 खागा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक कृष्णा पासवान ने 5वीं बार भाजपा से नामांकन किया तो एक निर्दलीय बैनी प्रसाद ने भी पर्चा दाखिल किया, साथ ही 3 पर्चे बिके। 240 सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अयूब अहमद व रत्न सिंह ने भारतीय चेतना पार्टी से नामांकन किया, यहां से 2 पर्चे बिके। 242 हुसैनगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी, बसपा से फरीद अहमद व सपा से ऊषा मौर्य ने नामांकन किया। नामांकन करने मुद्दों को सोच के जी, देखिए हमारी हुसैनगंज विधानसभा बड़ी सेंसिटिव विधानसभा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने दहशतगर्दी की राजनीति किया है, उन्होंने गुंडागर्दी की राजनीति किया है, गरीब दलित शोषित पीड़ित के ऊपर अत्याचार किया है, जुर्म जाति किया है। उनको सबको एक आस है वहाँ पे गरीबों को कि शिवाकांत एक विकल्प बनकर आ रहा है, शिवाकांत गरीबों का हमदर्द है। अभी तक गांव लोग हमेशा मंत्री विधायकों को चुनाव लड़ाते थे, आज गरीब जनता, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, खासतौर से हमारे युवा महिलाएं जो हमको एज ए विधायक बनाना चाहती हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आज देख लिए, हमको नहीं मालूम था हमारे यहाँ लगभग 1000 लोगों लगभग पार्टी जो है, जो भाईचारा खत्म हुआ है वो भाईचारा बनाने आई है। किन मुद्दों को लेकर? हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे। शहर में लमसम 3 लाख कितना है, रिवर लाइन है मुख्य प्राथमिकता, उसको कैसे बनाएंगे और बन रही है। कितनी सीटें ला रहे हैं? हम 250 सीट ला रहे हैं। अगर किसी को पता नहीं चला तो आई थी वैसे ही आएगी। एसपी अपनी अलग, सब कोई लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। बहुमत से बनाने जा रहे हैं, 300 पार करेगी उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से धरातल में काम किए हैं वो काम बोलता है। जब गांव में गरीबों के बीच में जाते हैं तो काम बोलता है। किससे टक्कर है इसमें, कौन ही बच्चे हैं आपको लग रहा है? कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।